मम्मी मुझे जल्दी खाना लगाओ। अरे नया मुर्गी है, हम खाना खिलेगी। ठीक है, नया मुर्गी है, तुम हाथ गोड़ पर धो के और मैं खाना परोसता हूँ। पहले मुझे दो, मैं इनको खाना खिलाऊंगा। तुमको बोला ना कि गोड़ धो लो, जाकर खाना खाओ। नहीं सुन रहा है। लो, मैं पहले दोनों खिलाऊंगा। लो जो तुमको जो खाना जो कर लो। मम्मी दो, मैं खिलाऊंगा। लो मम्मी, मुर्गी कहाँ गई हमारी? मम्मी बोलो ना, मुर्गी कहाँ गई हमारी? मुर्गी सारा मारे ये बेटा, तुम जाओ ना, तुमको खाना लगा देंगे, खा लो। प्रणाम जी। प्रणाम। बहुत बहुत आपको धन्यवाद दीदी, मेरा काम हो गया, आपको सामान यहाँ रख दिए हैं। आप बहुत उदास बैठे हुए हैं दीदी। क्या करें दीदी, तीसरी बार मुर्गी लाए फिर भी कुल मर गया। समय समय पर खाना देते हैं, पानी देते हैं, तो पर भी नहीं कोई बच्चा। कोई बात नहीं है दीदी, इसम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुर्गी का रख रखाव कैसे किया जाता है जो, चलिए मेरे घर देखिए मुर्गी, हम आपको रख रखाव के लिए सिखा देते हैं। ठीक है, तुम जाओ मम्मी, हम खाना खा लेंगे। चलिए दीदी, हम चलते हैं। चलिए। बाबा बैठा दीदी, सारा सामान लाते हैं, कैसे मुर्गी पाला जाता है आपको बताते हैं। दीदी देखो तो साफ सुथरा से लगाते ना, बॉल भी लगा देते ना, तो ना बढ़िया से भूसा भी छा देते ना, सफाई हो रहा है तो ना। आइए बैठिए। ठंडा का मौसम है दीदी, बाउल लगा दलिया है, अंदर कुछ कहा है, भूसी भी छा दलिया है, ओकर बाद तोरा रख रखाव के बारे में बता रही। सबसे पहले दीदी टीकाकरण के बारे में तोरा बता रही हो। देखो दीदी, इसको फॉल पॉक्स टीकाकरण है दीदी, टीका ये दवा दीदी आठवा सप्ताह में देवल जा है। फॉल पॉक्स टीका दीदी कैसे पड़ा है मुर्गिया के? पीआरपी दीदी आवा हखिन और मुर्गी के पंख में इसको एरा दे हखिन और आठवा सप्ताह के बाद दे हखिन दीदी। देखो दीदी, दवा के नाम है एनडी लसोटा, रानी खेत रोग के लायरा बचाव बचावे के लिए एरा कोजी का है देवल जा है। दीदी ये टीका तो मदर पर के नाम है दीदी? देखो दीदी, ये रानी खेत रोग के दवा है, ये दवा तो मदर इम्यूनिटी से पर ही के आवा है, बाकी ये टीका लेकिन बूस्टर डोज है दीदी, जो 55 से 60 दिन में ही पड़ा है। एकरा अलावे महीना में एक बार टीका पड़ सका है दीदी, काहे कि रानी खेत बीमारी आइला पर कुल मुर्गी मर सका है। अब तोरा मुर्गी के खाना खाए के बारे में बता रही हो दीदी। देखो दीदी, ये है मकई के दर्रा। देखो दीदी, गेहूं के दर्रा दही खाएगा। देखो दीदी, दाल के भूसी खा ले दही। देखो दीदी, आटा का चोकर खा ले देते हैं। देखो दीदी, चावल के खुद्दी खा ले देते हैं। अंडा का छिलकू का चूर है दीदी, खा ले देते हैं इसको। ये है बाचल भात दीदी, वो दही खाला मुर्गिया के। देखो दीदी, जितना चीज तरह बता लिया ना, उतना सब चीज मुर्गी खाला दे सका हो। दीदी अंडवा के छिलकोवा का खिलेबे मुर्गिया के? मुर्गिया अंडवा देवे काबिल हो है ना दीदी, तो कैल्शियम के कमी हो जा है, तो अंडवा के छिलकोया के में कैल्शियम पावल जा है, तो इसीलिए अंडवा के मुर्गिया के छिलकोवा के चूर के खिलावल जा है मिला के। अंडवा के छिलकोवा कैसे खिलावल जा है दीदी? एक मुर्गी पर दीदी अंडा के छिलको के चूर्ण 2 से 5 ग्राम खाना में मिला के चूर्ण देना चाहिए। आए दीदी, तो जब मुर्गी अंडवा देवे लायक होता है तभी खिलावल जीता है। हाँ दीदी।
देखो दीदी बाचल खानवा खिलेबू बाकी बासी ना खिलेबू एरा में फफूंदी हो जा है। देखो दीदी खानवा तो ना खिलेबे करबाए बाकी बाहर से चार लकाथनी खोलबे। हाँ दीदी बहुत अच्छा बात पूछल हो। चारा ला निकालबू तो दोपहर के बाद निकालबू और साफ पानी पिला देबू। हाँ दीदी पानी कला पिलेबी हमें घरवा से पानी पिला के भेजब ना दीदी चरला तो गंदा पानी ना पीती वहाँ क्यों कहे कि गंदा का पानी पी से मुर्गिया के बीमारी होवा है। कितना दिन तक चलती दीदी बाहर में? 3 से 4 घंटा दीदी। ये सब छोटा छोटा बातिया पर ध्यान देबू ना दीदी या टीकाकरण दवा खान पान पर तो मुर्गिया ना मरतो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप बड़ी अच्छा बात बताए ये सब बात पर ध्यान देंगे ताकि मुर्गी हमको बचे। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नहीं मुर्गी को दाना खिलाना नहीं छोटो हमने खिले भी दाना 2-3 महीने में तो मर ही जाए। आ बेटा आओ ले मुर्गी खिलाओ दाना आवे अच्छा से देखबे तब बढ़िया से खिलाएबे तब बढ़िया से रहते तो आप ना मरते। लो ठीक है जाओ।